हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई इंस्टाग्राम अगर आप चलाते हो और अपनी वीडियो फोटो या रील्स बना के भाई डालते हो, आजकल सब डालते हैं भाई, टैलेंट होता है भाई लोगों में, डांस करते हैं, अच्छा अच्छा नाचते हैं, पर भाई वो डांस हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खाली रहते हैं, कुछ काम नहीं होता, वो क्या करना शुरू करते हैं आपके रील्स पर, आपकी वीडियो पर भाई बैड कमेंट्स, गंदे शब्द लिखना शुरू कर देते हैं, गालियां देने लगते हैं या और कुछ तरह का जो भी उनके दिमाग में उल्टा सीधा आता है लिख देते हैं उसके ऊपर। ठीक है, तो भाई आपके आपके अंदर टैलेंट है, आप कर रहे हो, उसको कोई कर नहीं सकता, पर भाई कमेंट करना तो बहुत ही आसान है, बैठ कर आप टाइप कर दोगे, उसमें कुछ नहीं लगता। बाकी अपना टैलेंट दिखाने में भाई कुछ डांस करो, कुछ भी करो, उसमें भाई बहुत किसी के अंदर टैलेंट है वो ही कर सकता है, पर भाई जो लोग कुछ नहीं कर सकते वो कमेंट तो कर ही लेते हैं, क्योंकि कमेंट करने में कुछ नहीं लगता। तो भाई कहने का मतलब ये है, अगर आप अपनी कोई वीडियो डाल रहे हो, अगर आप उस पर चाहते हो कि कमेंट्स जो हैं गाली वाले, कुछ आपको लग रहा है कुछ वर्ड्स हैं, उन शब्दों को कैसे आप ब्लॉक कर सकते हो, बंद कर सकते हो, क्योंकि भाई अगर आपको पता है कमेंट्स तो आप ऑफ कर ही सकते हो, आपने कोई वीडियो डाला आप पर उसके अंदर सारे कमेंट्स ऑफ हो जाएंगे, पर आप इनको फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर करके जो आपको बैड वर्ड्स लग रहे हैं उन वर्ड्स को आप भाई ब्लॉक कर सकते हैं। वो मैं सेटिंग आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि भाई आपके अंदर टैलेंट है तो दिखाइए, बोलने वाले लोग तो कुछ भी बोलते हैं, कुछ उनको काम तो है नहीं कमेंट्स करने में, क्योंकि कुछ लगता नहीं है ना। अब बाकी जो आपका कोई टैलेंट को दिखाने में तो भाई आपको बहुत मेहनत लगती है, प्रैक्टिस करते हैं, जब लोगों को नाचना आता है और कमेंट वाले भाई फटाक से कमेंट कर देते हैं। चलिए चलते हैं मेन मुद्दे पर, इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं, अपने प्रोफाइल पे जाना, थ्री डॉट पे ऊपर क्लिक कर देना, सेटिंग एंड प्राइवेसी खुल जाएंगी, उसके अंदर जाना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी के अंदर ये लीजिए, आ चुके हैं अंदर सेटिंग एंड प्राइवेसी में, कुछ इस तरह का पेज खुलता है। नीचे करोगे, नीचे आपको यहाँ पे एक हिडन वर्ड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर हमको कंटिन्यू कर देना है हिडन वर्ड्स के ऊपर। अब यहाँ पर भाई देखो थोड़ा सा ये कमेंट्स, यहाँ से आप ओपेंसिव वर्ड कुछ को तो इंस्टाग्राम में ओपन कर देता है, या उसको ऑन कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको वर्ड्स का भाई यहाँ पर था कस्टम वर्ड्स एंड पैराज, हाइड अदर कमेंट्स एंड मैसेज डेट यू डोंट वॉन्ट टू सी बाई क्रिएटिंग ए कस्टम लिस्ट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पर आप अपने वर्ड्स की लिस्ट बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे करेंगे, फिलहाल कुछ नहीं है। तो जो जो भाई वर्ड्स आपको लग रहे हैं गलत या गालियाँ समझ लो आप, तो उनको आप यहाँ पे लिखते रहोगे, सारे ऐड होते जाएंगे। तो मैं भाई गाली तो खैर मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर मैं एक बता देता हूँ डेमो करके आपको, जो भी आप लिखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे डे लिख देता हूँ, ठीक है, ऐड कर देंगे, यहाँ पे सारे ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है, नाइट लिख देते हैं, इनका मतलब आप समझना कि यहाँ पे आपको वो वर्ड्स लिखने हैं, वो गालियाँ हैं या कोई एक ऐसा वर्ड है जो लोग आपको बार बार कमेंट्स में बोल रहे हैं, उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं आराम से, सब ऐड होते चले जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको डेमो दे रहा हूँ, मैं तो कुछ भी लिख रहा हूँ, ताकि भाई मैं गाली क्यों दूँ किसी को, हम तो देना ही लिखना ही नहीं चाहते भाई किसी को, तो खैर क्या देंगे। तो ये हो गया भाई, ऐसे लिख सकते हैं। और अगर कोई आपको यहाँ से हटाना हो तो इस पर सीधा क्लिक करना, थोड़ा सा क्लिक करके यहाँ पर डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरीके से भाई जो भी वर्ड्स गलत लगते हैं, गाली लगती है, या कोई एक पर्टिकुलर वर्ड ही कोई आपको बार बार बोल रहा है, लिख रहा है, उसको यहाँ पे ऐड कर देना, और ऐड करने के बाद यहाँ पर आना और इसको हाइड कमेंट्स को ऑन कर देना। जैसे ऑन कर दोगे, जो जो वर्ड आपने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे वर्ड भाई हाइड हो जाएंगे, वो कितनी बार कोई आपके कमेंट लिखेगा वो किसी को नहीं दिखेंगे। तो इस तरीके से भाई कर सकते हैं। अगर ये सेटिंग आपको अच्छी लगी हो, करके देखना, तो वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियो देखनी हो और हमको सपोर्ट भी करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।